गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिवीजन शुरू किया था, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। हम क्वेश्चंस खत्म करेंगे। आपको मैंने ये भी कहा था कि ईएमआई और एसी हम रिवाइज कर रहे हैं, पहले ईएमआई फिर एसी। तो ईएमआई के रिवीजन के लिए आपको अपना चैप्टर पढ़ना था, और अगर उसमें कोई डाउट है जो आपको कॉपी में कराया हुआ है और जो न्यूमेरिकल्स थ्योरी जो भी डेरिवेशन वगैरह कराई हुई है उसकी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पहले पूछ लेंगे। तो आई होप सो आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एनी डाउट्स? सर एक क्वेश्चन बोलो बेटा या भेज दो? भेज दूं? व्हाट्सएप में भेज दो, व्हाट्सएप में भेज दो, मैं कर दूंगा। जिसको भी डाउट हो भेज दो, वेट कर रहा हूँ मैं आपका एक मिनट। और किसी का कोई डाउट है? ये शिवेंद्र ने डाउट भेजा, इसको पहले देख लेते हैं सब लोग। कह रहा है एक मेटालिक वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ये एक स्क्वायर लूप है। ये मैंने पहले भी कराया था क्लास में, कॉपी से ही भेजा शायद इसने। स्क्वायर है, कह रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वायर से लूप का साइड एल है, तो लास्ट एंड का डिस्टेंस क्या होगा? एल प्लस ए। अब हमें मालूम है फाई टू की वैल्यू होती है एम आई वन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, याद है आपको फाई टू की वैल्यू कितनी होती है? एम इंटू आई वन। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है दैट इज फाई टू अपॉन आई वन, और फाई टू का मतलब होता है बी वन एरिया टू, मैग्नेटिक फील्ड पहले के कारण एरिया दूसरे का जिससे लिंक हो रहा है अपॉन आई वन। अब यहां पर बी वन पहले के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसका है? भाई वन कौन है? कंडक्टर। और टू कौन है? लूप। तो वन का फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, और हम सबको पता है यहां पर ये डिस्टेंस वेरिएबल है। कंडक्टर से पहला डिस्टेंस तो आपका यहां तक का डिस्टेंस तो एल है, और बाकी आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो यहां पर एल प्लस ए तक का डिस्टेंस है। तो मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इज वेरिएबल, तो उसके लिए हमें कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक छोटी सी लूप, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका वेरिएबल डिस्टेंस एक्स मान लिया और इसकी विड्थ हमने डी एक्स मान ली। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी वन कितना होगा वो निकालना है मुझे। बी वन होगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या है? इस स्ट्रिप का मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड? स्ट्रिप का। तो आपके पास डेल्टा बी फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, यही होगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, यही हुआ। देखिए जरा, यस सर। और आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, ये फॉर्मूला हुआ बी वन का जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और एरिया टू, एरिया टू क्या होगा? बी वन इंटू ए टू, अगर मुझे फ्लक्स निकालना है
अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फ्लक्स निकालना है, तो डी फाई इज वॉट आपके पास बी वन, और इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, ए इंटू डी एक्स, देखिए ए इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर साथ में लग गया ए इंटू डी एक्स। अब टोटल फ्लक्स चाहिए तो आप इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल है एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एल से एल प्लस ए तक, बोलो क्लियर है बच्चे? यस सर। अब फ्लक्स की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, ऊपर ए है, और dx by x का फॉर्मूला हो गया log of x e बेस में, और l से लेकर के l plus a तक, तो phi की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई ए अपॉन टू पाई log of अपर लिमिट यानी l plus a अपॉन लोअर लिमिट, ये हो गया e बेस में, और आप फ्लक्स अपॉन करंट कर देंगे तो ये करंट कट जाएगा, तो दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज म्यू नॉट ए अपॉन टू पाई लॉग ई बेस वन प्लस ए बाई एल, इज दैट ओके और नॉट? ध्यान देना ई बेस है, अगर आप इस ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इज दैट क्लियर शिवेंद्र? यस सर। देख लीजिए एक बार ध्यान से इसको। यस सर, समझ आ गया। सबको समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया हाथ रेज करिए, जिसको भी डाउट है वो पूछिए। जिसको भी डाउट है वो पूछिए। सबको समझ में आ गया? इट्स वेरी गुड देन, ठीक है, लेट अस मूव ऑन फर्दर। और किसी का कोई डाउट है? मैंने आपको मैसेज किया है। किसने? एक तो मैमा, एक मिनट, दो मैसेज आए, एक मिनट, क्या है मैमा तो? कह रहा फिगर शोस टू लॉन्ग कोएक्सियल, ये बेटा सिलेबस में नहीं हूँ मैम आपके, ये आपको सिर्फ याद रखना है कि m की वैल्यू जो होगी वो लेस होगी हमेशा रूट l1 l2 से, ठीक है, और उसका रीजन अगर कोई पूछ ले एक आध नंबर में, वैसे तो है नहीं सिलेबस में लेकिन फिर भी सुन लीजिए, आपने कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पढ़ा था याद है, m अपॉन रूट l1 l2 याद है, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है फ्लक्स लिंकेज, सुन लीजिए दोबारा बता देता हूँ, ये पहली कॉइल 1 है और ये दूसरी कॉइल 2 है, उसने क्या किया कोएक्सियल लिए हुए, तो कॉइल 1 जो है वो बाहर वाली है और जो अंदर है वो कॉइल 2 है, क्लियर, तो पहली का फ्लक्स दूसरी को लिंक हो रहा है, तो कभी भी आपके पास जो फ्लक्स लिंकेज है k दैट इज phi 2 अपॉन phi 1 दैट इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 1, तो k इज दिस मच आल्सो m अपॉन रूट ऑफ l1 l2 दैट विल आल्सो बी लेस देन और इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू लेस होगी या इक्वल होगी रूट l1 l2 से, समझ में आ रही बात, मैक्सिमम l1 l2 के रूट के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, अदरवाइज सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी से बढ़ जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल कंडीशन, ये आप लिख सकते हैं अगर पूछे तो, क्लियर है? ओके सर। इसके बाद इसका एक तक क्या क्वेश्चन सर, एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट क्या होंगे? इसके एडवांटेजेस एडी करंट के एडवांटेजेस, एडी करंट के एडवांटेजेस आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में यूज होता है ना, जैसे आपके पास जो डैम्पिंग प्रोसेस है उसमें फास्टर डैम्पिंग के लिए हम एनर्जी को एडी करंट के फॉर्म में डिसिपिएट करवा देते हैं, इसके अलावा आपको लिखवाया था मैंने इंडक्शन ब्रेक्स, जो मैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं उसमें यूज होता है, इंडक्शन फर्नांस में यूज होता है, याद है आपको, तो ये चीजें आपको लिखनी है वहां पर उसके एप्लीकेशन में। ये किसका है अगला? एक था सहरा, क्या है ये, स्क्वायर साइड एल lies on xy plane, magnetic field is given by b is equal to b naught 2i plus 3j plus 4k, the magnitude of flux passing through the square is, ठीक है, आपके पास ये square है, आपका xy plane पे है और आपके पास इसकी side l है, तो आप ये बताइए इसका area क्या होगा बच्चे, l square k cap, तो flux होगा b और a का dot product, तो दैट विल बी 4 एल स्क्वायर, इधर देखिए
और इनटू बी नॉट, ये आंसर है। क्लियर है बच्चे? यस सर। ये समझ में आया मैंने क्या किया? नहीं आया? एक तो आपसे बात करूं बेटा। यस सर, आ गया है ना, क्योंकि आपके पास एरिया एक्स वाई प्लेन पे तो उसकी डायरेक्शन के कैप है, और जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर एरिया में आई और जे कंपोनेंट तो है नहीं बच्चे, तो आई वाला आई से जीरो हो गया, जे वाला जे से जीरो हो गया, तो मैंने सीधा के वाले को, के वाला कितना है 4 और ये बी नॉट है ना, और एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ गया, और यूनिट तो वेबर होती है। ऑप्शन चेक कर लो, इसमें कोई होगा है? कोई थर्ड ऑप्शन? क्लियर है? और बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और किसी के कोई डाउट्स हैं? एनीवन एल्स? सर मैंने एक और क्वेश्चन सेंड किया है। ए सर्कुलर कॉइल एक्सपेंड्स रेडियली इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपेंड्स रेडियली इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, क्या लिख रहा है? And no electromagnetic forces induced in the coil. तो क्यों नहीं induce होगा? Reason है flux link नहीं हो रहा होगा, समझ रहे हैं? There should not be any flux linkage. जब flux linkage क्यों नहीं होता? Flux change नहीं होगा, flux होता क्या? BA cos theta है ना, तो area उसका बढ़ रहा है, समझ में आ रही बात? अब उसमें हो सकता है आपके पास area बढ़ रहा हो, उसको उसकी जो countability, area बढ़ने के कारण flux change होना चाहिए, लेकिन flux नहीं change हो रहा, area बढ़ने पर भी हो सकता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना, आप समझो। इसने अच्छा ऑप्शंस भी दे रखे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और एरिया बढ़ रहा है तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम प्लेन, हाँ ये हो सकता है आपके पास, कि आपके पास एरिया जो है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम प्लेन में है, आपके पास सीधी सी बात, या तो बी जीरो हो या फिर थीटा 90 डिग्री हो, सीधी सी बात, दो में से कोई भी एक ऑप्शन हुआ। मैग्नेटिक फील्ड हैज परपेंडिकुलर टू द, क्या लिखा, has field as perpendicular component whose magnitude is decreasing suitably, there is constant magnetic field in the perpendicular direction. सीधी सी बात है, ये coil है, आपके पास magnetic field इसके plane के अगर perpendicular होगा तो होगा, और अगर इसके plane के parallel होगा तो नहीं होगा, तो कुल मिलाकर के area vector is perpendicular या plane is parallel, this is the option, okay? समझ में आया नहीं है? Yes sir. और कोई, एनीवन, किसी ने और तो नहीं भेजा बेटा? एक बार देख लो, बता दो, नहीं और कोई नहीं आया मेरे पास, अगर किसी ने भेजा तो भी बता देना, ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए, एक हमारे पास सोलेनोइड है, ये एयर कोर है, कैसा कोर है इसका? एयर कोर, इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें 500 टर्न्स हैं, कितनी टर्न्स हैं? 500, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2.5 एम्पियर, ठीक है, और इसको हमने स्विच ऑफ कर दिया है, स्विच्ड ऑफ, यानी फाइनल करंट जीरो हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ इन हाउ मच टाइम? 1 मिली सेकेंड, मिली यानी 10 की पावर -3 सेकेंड्स। फाइंड द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड, एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, जल्दी, इन द कॉइल यानी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल, सीधी सी बात, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल, across the ends of coil, निकालिए आंसर एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। पीछे जो आपने क्वेश्चन पूछे थे, अगर उनमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछते जाइए, बाकी इन क्वेश्चन को करते जाइए, जहां दिक्कत हो वहां मुझसे बात करो जल्दी। फॉर्मूला याद है आपको?
ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी और फाई क्या होता है एल आई, जल्दी एल की वैल्यू कितनी होती है एनीवन? ब्रजेश कुमार कितनी होती है एल की वैल्यू यहाँ पे? म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर, आगे नॉट एन स्क्वायर एल, ए अपॉन एल अगर एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और पर यूनिट लेंथ है तो एल मल्टीप्लाई होता है ना? यस सर, यस सर। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से, दिस इज द फॉर्मूला। पर यूनिट लेंथ होगा तो ध्यान रखिए कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। आ रहा है किसी को आंसर? कर रहे हैं सॉल्व या नहीं कर रहे? क्या वो इतना टाइम लगेगा बेटा? इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। L की वैल्यू क्या है? माइनस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और डेल्टा ई कितना है? आई वन माइनस आई टू, आई टू जीरो है और आई वन कितना है? 2.5 एम्पियर। और टाइम कितना है डेल्टा टी? 1 मिली यानी 10 की पावर माइनस 3। बाकी यहाँ पे डाटा रख दीजिए। म्यू नॉट कितना होता है? 4π 10 की पावर माइनस 7। एन का स्क्वायर तो 500 का स्क्वायर तो 25 × 10 की पावर 4। एरिया क्या है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस 4। और लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। यू कैन पुट ऑल दीज वैल्यूज इन सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, यस और नो? ईएमएफ जो आएगा -6.542 वोल्ट आएगा। और आपसे बैक ईएमएफ बोला है तो बैक का मतलब नेगेटिव वो इंक्लूज कर रहा है। बैक ईएमएफ इज 6.542। माइनस लिखने की जरूरत नहीं अगर आपने बैक लिख दिया तो। इज दैट क्लियर? जल्दी कंप्लीट करिए। किसी को डाउट हो तो बेटा बात करते जाओ, ये मत सोचो कि हाँ लिख दिया सर ने, नहीं समझ में आ रहा पूछो, बिना हेजिटेशन के पूछो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास दो सर्कुलर कॉइल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं। पहली वाली कॉइल में करंट जा रहा है 2 मिली एम्पियर, अंदर वाली का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, बाहर वाली का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एयर है मीडियम। Clear? 2 मिली एम्पियर करंट है यहां पर बाहर वाली में। क्वेश्चन है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। फॉर द गिवन सिस्टम जल्दी निकालिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस सिस्टम? जो आपको सिस्टम दे रखा है इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के दिखाइए। जल्दी सॉल्व करो फास्ट।
आ रहा है किसी का आंसर? जल्दी बताओ, एम कितना होता है? फाइव टू अपॉन आई वन, और फाइव टू कितना है यहाँ पर? बी वन ए टू, याद है? और सर्कुलर कॉइल का फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, और एरिया टू होगा पाई आर टू स्क्वायर अपॉन आई वन। आई वन आई वन कट गए यहाँ पर, कितना हो गया ये? म्यू नॉट पाई आर टू स्क्वायर अपॉन टू आर वन। याद है फॉर्मूला आपने डिराइव किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस का? अब म्यू नॉट कितना है? फोर पाई टेन की पावर माइनस सेवन इंटू पाई, और आर टू कितना है? फोर सेंटीमीटर, तो फोर इन का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर टेन की पावर माइनस फोर, और नीचे टू आर वन कितना है? टू सेंटीमीटर टेन की पावर माइनस टू। सॉल्व कर लेंगे, फोर पाई स्क्वायर इंटू फोर इंटू टेन की पावर माइनस नाइन हेनरी, तो व्हाट इज दैट? सिक्सटीन पाई स्क्वायर इंटू टेन की पावर माइनस नाइन हेनरी। इज दैट क्लियर? चेक करिए इस क्वेश्चन को, किसी को डाउट है तो बात करिए। कितनों को समझ में आ गया, हाथ रेज करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास किसका सिंबल है, किस चीज का सर्किट सिंबल है ये? बोलो, किस चीज का सर्किट सिंबल है? ट्रांसफार्मर का। इस सिंबल में बोला हुआ है, डाटा दिया हुआ है 200 वोल्ट यहाँ पर है, कह रहा है यहाँ की ईएमएफ कितनी है निकालिए। ऑल्सो फाइंड द रेशियो एन वन और N2 का, निकालिए जल्दी। राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स फास्ट। बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी करो। आ रहा है किसी का? ओके, आई गॉट टू आंसर्स, थ्री, वेरी गुड बेटा। प्रियंका का भी सही, एकता का भी सही, दोनों की सही। और रेशो क्या है बेटा? रेशो नहीं लिखी आपने, सिर्फ ईएमएफ लिखा है, बाकी लोग भी सॉल्व करिए। E2 और E1 की रेशियो आपको याद होगा, I1 और I2 करंट के उल्टा होती है, तो करंट कितना है? 20 by 2 यानी 10, तो E2 is 10 times E1 यानी 200 into 10 that is 2000 volt, first part। second part में number of turns की रेशियो N1 और N2 क्या होगी? E1 और E2 की रेशियो के बराबर होगी, that is 1 by 10, तो रेशियो is 1 is to। चेक करिए यहाँ तक, कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन,
रेशो एक तो आपकी गलत है रेशो, उमैमा आपकी सही है बेटा। बाकी लोग भी आंसर्स लिखो जल्दी, कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ला का फील्ड है ये, इसमें कॉइल रोटेट करी जिसका एरिया 10^4 मीटर स्क्वायर है और नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है। कह रहे ईएमएफ 20 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है, ओमेगा कितना होना चाहिए जल्दी। EMF induced 20 वोल्ट होने के लिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन कितनी होनी चाहिए, जल्दी से फाइंड करिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी करिए फास्ट। जल्दी करो बेटा, बड़ा धीमे कर रहे हो। इसमें कुछ मुझे बताना है, अगर आप इसे कर लो तो उसके बाद बताना है, आप नहीं करोगे तो बताना क्या है फिर। कुछ चीज देखना चाहता हूँ मैं, कौन सही कर रहा है नहीं। फॉर्मूला तो सबको मालूम है इसमें। Thank you.
आया किसी का? क्यों आप भी वेट कर रहे हो कि सर कब सॉल्व करेंगे? जल्दी करिए, आपको ही सॉल्व करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Very good. I got 6 answers now. Point one, point one, point one. सबका point one आ रहा है, बस यही देखना चाहता था मैं। जिन्होंने try किया, जो नहीं try कर रहे तो कोई बात ही नहीं। देखो बेटा, जिन्होंने try किया उनकी गलती बता दूं मैं solve करने से पहले ही, क्योंकि आंसर आपने confirm में गलत solve किया होगा। आंसर मुझे भी नहीं मालूम क्या है, कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे भी, है ना। लेकिन इसमें गलती क्या है वो मैं बता देता हूँ आपसे। आपने क्या लिया हुआ है, EMF की वैल्यू होती है पीक वैल्यू बी ए एन ओमेगा, है ना, बोलो हाँ या ना। और ओमेगा इज वॉट, ई नॉट अपॉन बी ए एन, यस और नो, यही फॉर्मूला लगाया ना। और ये 20 वोल्ट क्या है, ये ई नॉट नहीं है, ध्यान देना। ई नॉट कितना होगा, 20√2। ये रूट टू आप पक्का भूल गए होगे, जो मुझे विश्वास है। लगाया किसी ने रूट टू? आपको बताया था एसी के अंदर जब भी स्पेसिफाइड ना हो ये हमेशा आरएमएस वैल्यूज होती हैं, याद है। इसने कहीं नहीं बोला पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज दिस मच। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसीलिए इतना वेट कर रहा था मैं, मैंने कहा देखते हैं कौन कर रहा है। अब बी नॉट, बी कितना है 2000, एरिया कितना है 10⁻⁴, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000 यानी 10�³। तो बस बाकी तो सॉल्व हो जाएगा। तो हो गया 10⁻¹ से एक जीरो गया, एक जीरो ऊपर से चला गया, ये 1/10 यानी 0.1√2 रेडियन पर सेकेंड। तो 1.414 रूट टू की वैल्यू और 0.1 यानी ये डेसिमल शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है। दिस इज द आंसर, ओके और नॉट ओके? देखिए, हेलो, समझ में आया नहीं है? कितनों को समझ में आया, हाथ रेस करिए, जल्दी जल्दी करो बेटा। क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब जरा देखिए, आपके लिए मैंने रिवीजन शीट भेजी है, वही मैं बना रहा था इस टाइम पे आपके साथ साथ क्वेश्चन कराते हुए। ये रिवीजन शीट आ गई आपके पास, देखिए जरा। आ गई बेटा व्हाट्सएप पे, चेक करो जरा। हेलो, यस सर। तो बोला भी करो कम से कम। ये कि रिवीजन शीट भेजी, शीट के अंदर 20 क्वेश्चंस 1 मार्कर हैं और 30 क्वेश्चंस 2 मार्कर हैं, ठीक है। तो टोटल 80 मार्क्स की ये रिवीजन शीट है। इस शीट को आपने कंप्लीट करना है, ध्यान देना, कॉन्सेप्चुअल्स इसके, इसको कंप्लीट करना है और इसके डाउट्स वगैरह हमें डिस्कस करने होंगे। कुछ हम क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, कुछ घर में डिस्कस करेंगे आप, मतलब घर में सॉल्व करेंगे, और फिर जो भी डाउट्स होंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे हर चैप्टर में दूंगा मैं आपको शीट्स, क्लियर। इनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आपके करने के बाद, ठीक है। जब आप कर लेंगे, हाँ मुझे लगेगा आपने किया है, तो मैं इनके सॉल्यूशंस दे दूंगा आपको, और नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं फिर, ठीक है, क्लियर है। अब जरा आ जाइए, सबसे पहले शीट को ओपन करिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। कुछ क्वेश्चन हम यहीं पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द लूप्स इन द फिगर आर मूविंग इन और आउट, कह रहे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप 1, 2, 3, 4। आपके पास ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, कह रहे इसके अंदर आपके पास जो पहली लूप है 1 वो बाहर जा रही है, दूसरी लूप
कुछ भी शेप है अंदर जा रही है। तीसरी लूप ये स्क्वायर है, ये बाहर जा रही है, सर्कल है आपकी, ये भी बाहर जा रही है तीसरी, और चौथी स्क्वायर है वो भी बाहर जा रही है। तो कह रहे हैं आप बताइए इनमें ईएमएफ इंड्यूस्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, 1, 2, 3 और 4 जल्दी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स आपने काफी कर ली ईएमआई के, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जल्दी। ये ध्यान देना बेटा, अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे और इन्वॉल्व होगे तो काफी कुछ सीखोगे, और अगर आप सोचोगे कि हम तो चुप ही बैठेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। आपको भी पता है आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, है ना। थोड़ा सा पेशेंस, मेहनत करिए, थोड़ा सा मतलब हिम्मत रखिए और काम करिए, सब हो जाएगा। आप बताओ लूप वन फील्ड के बाहर जा रही है, मतलब इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, इसका फ्लक्स घट रहा है, जिसका जो भी बाहर जाती है उसका फ्लक्स घट रहा होता है, ध्यान देना, तीनों का, और टू का फ्लक्स बढ़ रहा है। जिसमें फ्लक्स बढ़ता है उसमें ईएमएफ अपोजिट होता है, और जिसमें फ्लक्स घटता है उसमें ईएमएफ सेम डायरेक्शन में होता है फील्ड। तो इसका जो फील्ड है, देखिएगा जिनमें घट रहा है उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस ही होगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ही होगा, सेम होगा जो भी क्वेश्चन का था, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड उल्टा होगा डॉट। तो डॉट के हिसाब से देखिए, इधर मेरे हाथ की तरफ नजर आ रहा है आपको, वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा। इधर देखिए, आपके पास डॉट के हिसाब से फील्ड थंब बाहर की तरफ होना चाहिए, तो कैसे हुआ करंट, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, और बाकी सब में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इज दैट ओके और नॉट? यस सर। टू में एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी सब में क्लॉकवाइज है, ठीक है। गर्व शर्मा ने आंसर भेजा, इट्स करेक्ट बेटा, बाकियों का भी लिख दो। टू के एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ लिख देंगे आप, रीजनिंग के साथ मैंने आपको बताया है ना, इन क्वेश्चन को आपने करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया आपको, इसके बाद आप आइए जरा क्वेश्चन नंबर 17 में, आइए जल्दी क्वेश्चन नंबर 17 में जल्दी। क्या बोल रहे, पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ उसके साथ साथ। क्वेश्चन कह रहे, द क्लोज लूप पी क्यू आर एस ऑफ द वायर इज मूव्ड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू द प्लेन। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, सेम फॉर्मेट में। अब क्या हो रहा है, ये अंदर घुस रहा है बाहर आ रहा है, अंदर घुस रहा है यानी इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फील्ड अपोजिट होगा, अपोजिट होगा यानी डॉट, डॉट यानी एंटी क्लॉकवाइज, एक ही फॉर्मेट के। बोलो हाँ या ना, क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन है या नहीं, एक बार चेक करो, एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से लिखो, इसमें होगा या नहीं पूरे पढ़ने पड़ेंगे मुझे भी, ठीक है। टाइप करवा दिए थे पहले, बस पीडीएफ बना के आपको भेज रहा था। क्वेश्चन लिखिए आप, एक और क्वेश्चन, शो दैट कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज ट्वाइस द वर्क डन टू डेवलप ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर इन द क्वाइल। करेंट ऑफ 1 एम्पियर इन द क्वाइल, शो दैट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज ट्वाइस द वर्क डन टू डेवलप ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर इन द क्वाइल। हाँ बताइए कैसे करेंगे, एनीवन? अगर एक क्वाइल है हमारे पास,
इसके थ्रू करंट ग्रो कराना है तो हमें पता है वर्क डन इज हाफ एल आई स्क्वायर एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एज मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? बोलो बेटा. वर्क डन टू रेज करंट इन ए कॉइल इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी इट इज स्टोर्ड एज व्हाट एनर्जी? कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? मैग्नेटिक. ये पता है फॉर्मूला आपको. अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, करंट ऑफ 1 एम्पियर. तो अगर आप करंट को 1 एम्पियर रखते हैं तो 1 का स्क्वायर दैट इज हाफ एल वर्क डन. तो व्हाट इज एल? 2W. बहुत बड़ा है वो क्वेश्चन. एल इज व्हाट, ट्वाइस द वर्क डन टू एस्टैब्लिश 1 एम्पियर करंट. ठीक है, तो कई बार इस तरह बोला तो डायरेक्टली आप ये लैंग्वेज लिख करके डेरिवेशन करके दिखा सकते हैं. कई बार कह सकते हैं डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क डन. वर्क डन के टर्म्स में करंट को ग्रोथ के लिए कितना वर्क करना पड़ता है उसके टर्म्स में आप कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर दो. तो आई थिंक नाउ यू कैन डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क डन. क्लियर है बच्चों? कई लोग तो यार पहले से हाथ रेज करके रखते हैं, मतलब सही है यार, बोलने से पहले ही हाथ रेज है. कितने अच्छे बच्चे हमारे, हाथ रेज करने में भी आलस है. हाथ डाउन करो ना लायको. गर्व शर्मा पारिशा, क्यों हाथ रेज कर रखा है? चलिए, क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन है आपके पास कॉन्सेप्चुअल. हाउ इज, ये क्वेश्चन ऐड कर लेना हाउ, जितने भी मैं करा रहा हूं अपने नोट्स के साथ. हाउ इज इंड्यूस्ड चार्ज डिफरेंट टू इंड्यूस्ड करंट इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स ऑफ EMI? How is induced charge different to induced current in Faraday's experiment of EMI? Faraday के जो EMI के experiments हैं, उनमें induced charge और induced current दोनों में अंतर है, कैसा अंतर है? ये बताइए. How is induced charge different to induced current? कौन बताएगा? गौतम बताओ. गौतम क्या आंसर होगा? दिशा, दिशा सैनी बोलिए बेटा क्या आंसर होगा? एकता ने आंसर भेजा है, करेक्ट है बेटा. लेकिन इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो ये है कि इंड्यूस चार्ज डिपेंड्स, पूरा बताना है, ओनली ऑन चेंज इन फ्लक्स. याद है, ओनली ऑन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नॉट ऑन रेट ऑफ चेंज. बट इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन rate of change of magnetic flux. Induced current depends upon rate of change of magnetic flux. मतलब induced current में rate है और जबकि induced charge में सिर्फ change in magnetic flux है, rate नहीं है. तो ये आपको language लिखनी. आप चाहें तो इसका formula भी लिख सकते हैं कि जो induced charge होगा delta q, that is minus d phi by r delta q. And I is minus 1 by R d phi by dt. ये induced current का formula है और वो induced charge का formula. कितनों को यहाँ तक समझ में आ गया ये दोनों questions? हाथ raise करिए, जिसको doubt है वो बात करिए मुझसे.
क्लियर है सबको? अच्छा अब मेरी थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको याद होगा फ्राइडे को आपका टेस्ट है, याद है? अगले फ्राइडे, मतलब आज फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे जो भी आएगा, किसका टेस्ट है? बुक टू का। उसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहेंगे। पहला टेस्ट है किसका? सेकंड बुक का, ऑन फ्राइडे 27/11। दूसरा, आपको जो ईएमआई है उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कई लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने रिवीजन में कराए हैं, मतलब कॉपी, एनसीईआरटी, अदर क्वेश्चंस जो भी करवाए हैं आपको, प्लस में जो रिवीजन में करवाए हैं उनको करना है। प्लस में, नेक्स्ट प्लस में ध्यान देना, ये जो रिवीजन शीट है इसको पूरा सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ये मुझे आपने सेंड करना है। जब आप मुझे ये सेंड करोगे इसकी पीडीएफ, जो जो सेंड करेगा उसको मैं इसके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। इसके सॉल्यूशन ग्रुप में नहीं भेजूंगा, ये ध्यान देना। गॉट इट? गुड आइडिया ना? ये अभी अभी आया मेरे दिमाग में आइडिया। ओके सर। आता जाता रहता है, बच्चों की हरकतें देख करके मैं भी कुछ हरकतें करने की सोच लेता हूँ। बिगाड़ दिया तुमने मुझे। पीडीएफ कहाँ पर आएगी बच्चों? जो सॉल्यूशन भेजेगा उसको पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशन की। जो मुझे भेजेगा उसे मैं भेज दूंगा, जो नहीं भेजेगा कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं। क्लियर? ओके सर। तो आपने होमवर्क करना है, उसका पीडीएफ भेजना है, और अगली क्लास से पहले भेज देंगे। जो नहीं आते उसकी चिंता नहीं करनी, वो खाली उसका नंबर डाल के ब्लैंक छोड़ दीजिए उसकी जगह, बाद में भर लेना जब मैं भेजूंगा। और हम उनको डिस्कस भी करेंगे, जो डाउट्स होंगे अगली क्लास में उन डाउट्स को खत्म करके फिर हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा अगली क्लास में? एसी। कौन सा चैप्टर? ऑल्टरनेटिंग करेंट्स। तो ईएमआई, एसी, ईएम वेव, ये तीन चैप्टर हम खत्म करेंगे, और इनको खत्म करने के बाद हम आ जाएंगे वापस करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिज्म, एंड लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर बुक टू। इज दैट क्लियर? यस सर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर।